वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सचिवालय में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले शीर्ष पांच विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसको लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, सिंचाई, शहरी विकास, आवास और विद्यालय शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की गई। हमारे लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, सिंचाई, शहरी विकास, आवास और विद्यालय शिक्षा, इनके साथ बैठना हुआ। और इसमें स्वाभाविक तौर से आप जानते हैं कि हमने दो तरह से बातचीत की है। एक तो आपने जो पूंजीगत खर्चा है वो अभी तक कितना किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती है। लास्ट टाइम हमने ये बैठकें पहले भी की थी, इस बार हम इन सभी विभागों के साथ इकट्ठा हम लोग बैठे हैं और देखने में ये आया कि विभागों का खर्चा जैसा हम अपेक्षा करते नहीं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विकास पुरुष के नाम से विख्यात पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद किया गया। कांग्रेस के स्वराज आश्रम में कांग्रेसी नेताओं ने पंडित एनडी तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया गया। बता दें कि पंडित नरेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश में 3 बार और उत्तराखंड में 1 बार मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद उन्हें राज्यपाल भी बनाया गया। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता था और हिमालय पुत्र के नाम से भी उनको संज्ञा दी गई थी, क्योंकि तिवारी जी की जो विकास परक सोच थी उससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष का विकास हुआ। और जो आज उत्तराखंड की जो नींव रखी गई, प्रथम चुने हुए मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने इस उत्तराखंड की जो नींव रखी, जिससे सिडकुल हो गया, आपका टिहरी डैम हो गया और बहुत सारी विकास परक योजनाएं जो उन्होंने यहाँ के लिए सौगात दी। बुनियादी रूप से कांग्रेस को स्थापित करने का काम किया और उत्तराखंड के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का गौरव बनाने का काम किया। और आज हम सब लोग उन्हें याद करके उनके मूल्यों पर चलने का, उनकी नीतियों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड जब बना तो जो एक नया विकास के आयाम माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने दिए, विकास पुरुष के नाम से आप प्रसिद्ध थे, आज हम जब देखते हैं कि ऑनलाइन इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग के नाम पर देश विदेश में ठगी करने वाले गिरोह का दून पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि करीब 47 युवक और युवतियों को पूछताछ के बाद नोटिस देकर छोड़ा गया है और जरूरत पड़ने पर उन्हें जानकारी देने दोबारा बुलाया जाएगा। एसपी ने कहा कि ये गिरोह मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा के लोगों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी लेकर डॉलर्स में पैसे लिया करते थे। थाना क्षेत्र में एक फर्जी जो इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग सेंटर है तो उसका भंडाफोड़ किया गया था और इसमें थाना राजपुर पुलिस के द्वारा सीओ मसूरी के नेतृत्व में कार्य करते हुए 3 अभियुक्तों को वहां से गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 47 युवक और युवतियों उनको जो है नोटिस देकर पूछताछ के बाद उनको जो है रिलीज किया गया है और आगे उनसे संबंधित जैसे आवश्यकता होगी तो और इस संबंध में से जानकारी उनसे की जाएगी। और जैसा प्रथम से जो बातचीत के उपरांत ऐसे जानकारी के उपरांत मामला संज्ञान में आया है वो इस प्रकार है कि पीसीएम वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल फ्लाइट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी इनके द्वारा फ्लोट की गई थी, उसके तहत ये लोग मूल रूप से यूएस से। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी हार की समीक्षा में जुटी हुई है, तो वहीं इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। इस बात पर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ईवीएम कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकती क्योंकि सत्ता उसका दुरुपयोग कर रही है। देखिए, ईवीएम कभी विश्वसनीय हो नहीं सकती है क्योंकि ईवीएम का दुरुपयोग सत्ता कर रही है, मगर चुनाव आयोग को जिन तकनीकी पहलुओं को कांग्रेस ने उठाया है उनका जवाब देना चाहिए। इसको अब तो चुनाव आयोग तो एक विभाग जैसा हो गया है सरकार का, उसकी अपनी निष्पक्षता खो दी है, तो इसलिए उस पर सवाल उठाने का अब राजनीतिक दल को या राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को पूरा हक है।
उत्तराखंड के बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी लागू करने की कवायद तेज कर दी है, जहां यूसीसी नियम और क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार हो गई है और शीघ्र ही कानून लागू होगा। कहा कि नई चीज तो है नहीं, पहले जो हमने कोर्ट सबमिट किया था तो उसमें भी जो जो जिस प्रकार के न्याय के देवी के रूप में हमने दिखाया था, इसमें भी वही है। अब उसके दो प्रकार के इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसमें पट्टी बांध के हाथ में तलवार लिखे दिखाते थे, हमने संविधान के साथ आँख खुले हुए आँख से न्याय करने की बात, क्योंकि इसलिए कि जब तक कि आप आँख खोलेंगे नहीं तब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार समतामूलक चीज आप नहीं ला सकते। सारे प्रावधान किए जाएंगे और इसमें सारी चीजों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, छोटी से छोटी। और आप लोगों के पास भी कोई ऐसा सुझाव है तो आप जरूर दीजिए हमको और हम अमल में लाएंगे। और मैंने जब आपको ध्यान होगा कि जिस दिन विधानसभा में ये पारित हो रहा था उस दिन मैंने पीठ से भी कहा था अगर किसी के कोई सुझाव होंगे और कहीं सुधार की आवश्यकता होगी तो हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, हम उसमें कतई भी संकोच करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भी सीखने की प्रक्रिया में हैं। आप सबके साथ मिलकर जो है हम लोग उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत और अरबी भाषा पढ़ाई जाएगी, इसको लेकर उत्तराखंड मदरसे बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि दोनों भाषा एक दूसरे के पूरक है, इसमें कोई धार्मिक टकराव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यही चाहते हैं कि मदरसे के सभी छात्र छात्राएं बड़े अफसर डॉक्टर इंजीनियर बने और अपने समाज देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वह संस्कृत विभाग के साथ एक MOU साइन करेंगे। जो अपने स्वभाव और अपने आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है उसका आचरण और उसका जो जो स्वभाव है उसके अनुरूप हम उत्तराखंडवासी होने चाहिए और ये चीज़ इसमें कहीं धार्मिक टकराव नहीं है। वो दो दो लैंग्वेज दो भाषाएं यानी अरबी और संस्कृत ये एक दूसरे की पूरक हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों को के कौशल विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी इस राज्य के अंदर ऐसे फले फूले जैसे अन्य छात्र और छात्राएं फल फूल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS और IPS बने और मुख्य धारा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने 6 संभावित उम्मीदवारों का नाम केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेज दिए हैं। उत्तराखंड महिला बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का भी नाम केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा गया। आशा नौटियाल ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रही है और उन्हें खुशी है कि पार्टी ने उनका नाम भी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में भेजा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रही हूं और निश्चित तौर पर मुझे खुशी है कि पार्टी ने उस सूची में मेरा नाम भी शामिल किया है। और क्षेत्र की जो जनता है लगातार हम लोग उनके बीच काम करते हैं, महिलाओं के बीच काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता को भी खुशी हो रही होगी कि मेरा नाम भी उस सूची। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है, जिसकी जानकारी देते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि दूसरे फेज की यात्रा बहुत ही सुगम और सुरक्षित संचालित होने के बाद चारधाम यात्रा ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। केदारनाथ आपदा के दौरान यात्रा की रफ्तार जरूर धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद चारों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ भरना शुरू हो गया है। पिछली यात्रा सीजन के करीब 56 लाख यात्रियों ने दर्शन किए, तो वही आंकड़ा इस बार भी रहने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत ही संतोषजनक है। धाम यात्रा बड़ी जो इसका सेकंड फेज था ये प्रारंभ हो गया है और आपको पता है कि ये 2 और 3 नवंबर को क्रमशः यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम जी के कपाट बंद होंगे और 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम जी के कपाट बंद होंगे। जो सेकंड फेज की यात्रा चली बहुत ही स्मूथ चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा शुरू होने के पूर्व ही, सेकंड फेज की यात्रा के पूर्व ही एक बहुत बड़ी बैठक की थी, सभी जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बातचीत की थी और 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिए गए थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि रजिस्ट्रेशन तो होगा,
लेकिन ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा और बढ़ा दी गई थी। अभी केवल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश में होते थे, लेकिन इसको क्रमशः रुद्रप्रयाग जनपद के 3-4 स्थानों पर, उत्तरकाशी जनपद में 4 स्थानों पर और उसी तरह से चमोली जनपद में भी 3 स्थानों पर अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन काउंटर। खबर सितारगंज नानकमता क्षेत्र के ग्राम बूढ़ झाला से है, जहां अपने घर में खेलते बच्चे पर अचानक से तेंदुए ने हमला कर दिया। साथ खेल रहे बच्चे और परिजनों के शोर मचाने पर तेंदुआ बच्चे को छोड़कर जंगल की तरफ भागा। परिजन 13 वर्षीय घायल बच्चे गोभी को आनन फानन में सितारगंज उप जिला चिकित्सालय ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। ग्राम बिचवा बोड़ में एक लेपर्ड के द्वारा एक बच्चा गुरप्रीत को लेपर्ड ने पकड़ा, जिससे गुरप्रीत की डेथ हो गई। और उसी के बीच मुझे जब सूचना मिली तो मैं हॉस्पिटल आया हूँ। वन विभाग के DFO और SDO और रेंजर से बात होकर फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। विभाग के अधिकारी आ चुके हैं। एक घुड़झाला गांव में गुरप्रीत नामक बालक की दुखद मृत्यु का समाचार मिला, उस पर हम यहाँ पहुँचे। तो जो स्थानीय व्यक्तियों के अनुसार ये गुलदार के द्वारा किया गया हमला बताया गया, तो इसलिए हम यहाँ पर आ जाएं कि एक तो जो शोकाकुल परिवार है उसको सहानुभूति व्यक्त कर सके, शेष जो भी विभागीय सहायता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। उससे पहले मझोला में घटी, आज हमारे बिचवा ग्राम सभा भूड़ में ये घटना घटी। घर में आके उसने हमला कर दिया बच्चे पे। ये एक नहीं है, काफी 3-4 जानवर 5वां है जो घर में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, इनका आतंक फैला हुआ है। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत और अरबी भाषा पढ़ाई जाएगी। इसको लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासमी का कहना है कि ये दोनों भाषा एक दूसरे की पूरक है, इसमें कोई धार्मिक टकराव नहीं है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रितूड़ी ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित उत्तराखंड निवास का दौरा किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का विशेष रूप से भव्य आयोजन किया जाना है। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास के शुभारंभ, दिल्ली में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उत्तराखंड मूल के अधिकारी, कार्मिकों और प्रवासियों की भागीदारी आयोजित की जाएगी। और इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।